गाइस वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सल्तन पेपर सेकंड का, जो कि हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल, जो कि हमारा पैराफिमोसिस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पैराफिमोसिस क्या होता है, उसके एटियोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके और आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पैराफिमोसिस, जिसको हम आयुर्वेद में परिवर्तिका भी बोलते हैं, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं परिवर्तिका रोग के बारे में। साथ ही साथ जो निरुत्त प्रकाश होता है, जिसको हम फिमोसिस भी बोलते हैं, तो निरुत्त प्रकाश और फिमो दोनों की वीडियो हमने डाल दी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पैराफिमोसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में, या पैराफिमोसिस होता क्या है। सो पैराफिमोसिस क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन इन विच द फोर स्किन ऑफ एन अनसर्कमसाइज फिमोटिक पेनिस बिकम्स ट्रैप्ड बिहाइंड द ग्लैंस पेनिस एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ओवर द ग्लैंस। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, जो फोर स्किन होती है पेनिस की, वो क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है ग्लैंस पेनिस के पीछे, और इस जो कि रिड्यूस नहीं हो पाती, मतलब उसको फिर से ऊपर ग्लैंस पेनिस के ऊपर नहीं ले आ जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराफिमोसिस। ठीक है, इसको समझिए जस्ट उल्टा है फिमोसिस से। फिमोसिस में क्या होता है कि जो ऊपर फोर स्किन होती है वो ग्लांस पेनिस के पीछे नहीं जा पाती है, जबकि इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है फोर स्किन वो पीछे चली जाती है और ग्लांस पेनिस के ऊपर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा शॉर्ट में डिफरेंस समझ लीजिए फिमोसिस और पैराफिमोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसमें क्या होता है, द फोर स्किन बिकम्स ट्रैप्ड बिहाइंड द कोरोना ऑफ द ग्लांस पेनिस विच कैन लीड टू स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द ग्लांस। क्या लीड करेगा, जब ये फोर स्किन पीछे ट्रैप हो जाती है ग्लांस पेनिस के, तो इसमें क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू स्ट्रैंगुलेशन ऑफ ग्लांस, डिस्टल वेनस इंगॉर्जमेंट, एडेमा एंड इवन नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन फॉर्मेशन। तो इसके कारण स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है ग्लांस पेनिस का, डिस्टल वेनस इंगॉर्जमेंट देखने को मिल सकता है, एडेमा देखने को मिल सकता है, नेक्रोसिस और साथ ही साथ गैंग्रीन फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये होता है पैराफिमोसिस का डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कॉजेस, किस कारण से होता है, तो एटियोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। तो पैराफिमोसिस कॉमनली अकर्स एट्रोजेनिकली व्हेन द फोर स्किन इज रिट्रैक्टेड फॉर क्लीनिंग प्लेसमेंट ऑफ यूरिनरी कैथेटर, अ प्रोसीजर सच एज सिस्टोस्कोपी और फॉर पेनाइल एग्जामिनेशन। तो किसी भी मेडिकल इंस्पेक्शन के दौरान क्या होता है, जब फोर स्किन को रिट्रैक्ट किया जाता है क्लीनिंग के लिए, चाहे यूरिनरी कैथेटर को प्लेस करने के लिए, चाहे सिस्टोस्कोपी के लिए या पेनाइल एग्जामिनेशन के लिए, तो इस कारण से भी जो फोर स्किन हो जाती है वो पीछे की ओर चली जाती है ग्लांस पेनिस के, और फिर ग्लांस पेनिस के ऊपर नहीं आ पाती, वहीं पर रह जाती है, तो उसे हम ये पैराफिमोसिस बोलते हैं। तो ये कॉज हो सकता है। उसके अलावा कुछ और लेस कॉमन कॉजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेनाइल क्वाइटल ट्रॉमा और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ में। तो ये हो गया एटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पैराफिमोसिस। सबसे पहला है सीवियर पेन इन द ग्लांस पेनिस, ग्रॉस स्वेलिंग ऑफ रिट्रैक्टेड प्रीफ्यूसियल स्किन, एडेमा ऑफ द डिस्टल ग्लांस पेनिस। तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, सीवियर पेन, ग्रॉस स्वेलिंग और एडेमा, तो ये तीन फीचर्स देखने को मिलेंगे हमको पैराफिमोसिस में। उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनुअल रिट्रैक्शन किया जा सकता है प्रीफ्यूस का, अगर मैनुअल रिडक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे हम सर्कमसीजन के लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में दिस इज़ परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर डॉर्सल स्लिट। ठीक है, तो अगर मैनुअल रिट्रैक्शन नहीं होता है प्रीफ्यूस का तो हम सरकम सीजन के लिए जाएंगे। इसके अलावा हम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइलो यूरिनोडेज का इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं,
150 यूनिट स्वॉलन रिंग ऑफ प्रोफ्यूज पे इंजेक्ट करके, साथ ही साथ मल्टीपल पंक्चर कर सकते हैं एडेमेटस प्रोफ्यूज पे, जो कि समटाइम्स जो फ्लूड रहता है वो उसको ड्रेन आउट कर देता है, और मैनुअल रिडक्शन उस केस में हो सकता है। ठीक है, तो एडेमा को कम करने के लिए मल्टीपल पंक्चर कर सकते हैं या हाइलो यूरिनिडोज का इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद हम मैनुअल रिडक्शन कर सकते हैं प्रोफ्यूज का, और अगर इन सब चीज़ों से नहीं होता है मैनुअल रिडक्शन, तो हम वहाँ पर सर्कमसीजन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा पैराफिमोसिस। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।